लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध करौली में श्राद्ध पक्ष के दौरान आज भी सांझी बनाने की परंपरा निभाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के पहले दिन से ही चित्रकारी के माध्यम से अलग अलग सांझी की झांकी सजाई जाती है। पहले ये घर घर बनाई जाती थी, लेकिन अब केवल यहाँ के आराध्य मदन मोहन जी मंदिर तक ही सिमट कर रह गई है। इस अनूठी परंपरा में मिट्टी के चबूतरे पर रंगों के माध्यम से रंगोली बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पूरे ब्रज मंडल के अलग अलग स्वरूप दर्शाए जाते हैं। देखिए, करौली में सांझी की परंपरा 150-200 वर्ष पुरानी है, क्योंकि राजा भंवर पाल के समय से शुरू हुई थी और वो अब तक चल रही है। लेकिन परंपरा के साथ साथ जो लोगों में पहले जो उत्साह था वो अब कम हुआ है। केवल मदन मोहन जी में ही परंपरा का निर्वाह हो रहा है। मदन मोहन जी के मंदिर में 16 दिन सांझी बनाई जाती है। इसमें भी कई तिथियाँ कम हो जाती हैं तो 16 से कम भी हो जाती हैं, उनका कटौती हो जाती है। और ये जो सांझी की परंपरा है रंगों के द्वारा जो उकेरने का, ये ब्रजमंडल के जो विभिन्न 84 कोस की परिक्रमा में प्रमुख स्थान आते हैं उन्हीं को इसमें दर्शाते हैं। सांझी से लोगों को ये एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण की कर्मस्थली हैं, क्रीड़ा स्थली हैं, इनका वास्तव में इसमें निरूपण है और उससे उनका स्मरण आ जाता है। बड़े प्राचीन समय में से ही यह सांझी का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं ये मदन मोहन जी के प्रांगण में जो सांझी बनी हुई है, ये सांझी की परंपरा बहुत प्राचीन है। राधा कृष्ण के दोनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में ये सांझी मनाई जाती है। इसमें सांझी में ब्रजमंडल की भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख लीला स्थल जो हैं, उन लीला स्थलों को यहाँ कलाकारी के द्वारा, चित्रों के द्वारा वर्णित किया जाता है। और ये दोनों के प्रेम के प्रतीक हैं, एक पुरुष वर्ग जो श्री कृष्ण की चौड़ी और छोटी जो है वो राधा जी की कला की प्रतीक है, जिसमें ब्रजमंडल की लीलाओं का वर्णन किया गया। ये भी एक प्रकार की भक्ति है।